हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो जिसमें हमने सबसे पहले वाष्प दाब देख लिया था, राइट। सो हम लोग देखने वाले हैं क्वथनांक उन्नयन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब समझा था क्या होता है, अपेक्षित अवनमन भी हमने देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वथनांक उन्नयन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कि क्वथनांक उन्नयन का मतलब है क्या। ठीक है, तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्वथनांक क्या है, वो बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब, जो हमारा हमारा जो सॉल्वेंट है, विलायक है, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब होता कितना है, तो आपको याद होगा कि एक एटमॉस्फेयर के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, जनरल तो क्या लिखा है, क्वथनांक वह ताप है यानी बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये मेन पॉइंट है। अब क्या होता है, ये नेक्स्ट देखिए कि किसी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। क्या लिखा है, किसी विलयन का, किसी सॉल्यूशन का जो हमारा क्वथनांक है वो किसी भी शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ हमने लिख रखा है कि विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, इसका उत्तर ये रहेगा कि क्योंकि विलेय और विलायक, ठीक है, विलेय और विलायक के बीच में आकर्षण होता है, राइट। तो क्या लिखा है, क्योंकि विलेय और विलायक, विलेय विलायक आकर्षक के कारण संगुणन से क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो से पहले वाली वीडियो में, ठीक है, बताया था कि ए ए और बी बी के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। सॉरी, बी बी ये विलायक था हमारा, विलायक के अणु, और ये हमारा विलेय के अणु थे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम विलायक और विलेय को मिक्स करते हैं, विलेय को विलायक में डालते हैं, तो इन दोनों के बीच में यानी कि विलायक और विलेय के अणुओं के बीच में आकर्षण होता है, और आकर्षण के कारण क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, और संगुणन की वजह से क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये ऐसा ही समझ लीजिए कि जब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम लोग विलेय को विलायक में मिलाते हैं, तो जो हमारे सरफेस पे जो विलायक के मॉलिक्यूल, विलायक के अणु प्रेजेंट रहते हैं, वो कम हो जाते हैं, राइट, और कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाष्प दाब भी कम हो जाता है ना। इसमें क्या है, क्यों, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो विलेय और विलायक के जो अणु हैं उनके बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, जो ए बी बंध बनता है, क्या होता है, या इंटरैक्शन जो होता रहता है, आकर्षण का जो फोर्स है वो होता रहता है, जिसकी वजह से ये टूट नहीं पाता है। ठीक है, टूट नहीं पाता है आसानी से। तो क्या करना पड़ता है, हमें अधिक इस पर तापमान देना पड़ता है, अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। अधिक ऊर्जा देने के बाद क्या होता है, जो ये बंध है, ये जो आकर्षण बंध है, ये टूट जाता है, लेकिन तब तक क्या हो जाता है, क्वथनांक में यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझ लीजिए कि अगर हमारा ए था वो 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा था, ठीक है, 100 डिग्री पर उबल रहा था, और बी हमारा 85 डिग्री पर उबलता होगा। ठीक है, बी हमारा 85 डिग्री पर उबलता होगा, तो ए और बी के बीच में सपोज कि ये जो हमारा बंध है, ये आकर्षण है, इसमें ज़्यादा आकर्षण है, और ये जो बंध है इसको तोड़ पाते हैं हम कितने, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 100 पे उबलता था, ये 85 पे उबलता था, लेकिन ये जब सॉल्यूशन बन गया, जब विलयन बन गया, तो इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ के कितना हो गया, 125 डिग्री। ठीक है, तो इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और कैसे बढ़ जाता है, कैसे वृद्धि हो जाती है, मैंने आपको बता दिया, विलेय और विलायक के आकर्षण के कारण संगुणन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल टर्म देख लेते हैं कि क्वथनांक उन्नयन
क्या है, निकालते कैसे है। तो मानिए कि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो टी बी है, ठीक है, टी बी है, टी फॉर टेम्परेचर और बी फॉर बॉइलिंग, ठीक है, तो टी बी है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने वाष्पदाब के टाइम पे पढ़ा था कि शुद्ध विलायक का हमने जो वाष्पदाब देखा था वो हमने पी नॉट माना था, राइट, पी नॉट माना था। उसी प्रकार से हम शुद्ध विलायक क्वथनांक क्या मान रहे हैं, टी बी मान रहे हैं। अब विलयन जब सल्यूशन बन गया, ठीक है, तो विलयन का क्वथनांक हम मान लेते हैं टी, ठीक है, टी मान लेते हैं। अब हमारा जो क्वथनांक उन्नयन रहेगा, क्वथनांक में जो हम अंतर आएगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा टी बी होगा मान लेते हैं, ठीक है, डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर होगा, टी माइनस टी बी, क्या हो जाएगा, टी माइनस टी बी। क्यों टी, क्योंकि हमने देखा कि विलयन का क्वथनांक हमेशा विलायक से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, क्वथनांक उन्नयन इज इक्वल्स टू टी माइनस टी बी। ये आपको याद रखने की बात है और ये है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग देख लेते हैं एक और लाइन, अतः विलयन के क्वथनांक व विलायक के क्वथनांक का अंतर ही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, आई होप कि क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि वाष्पदाब अवनमन जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और क्वथनांक उन्नयन में संबंध होता है, कोई संबंध होता है। अब इस संबंध को समझने के लिए हम लोग ये ग्राफ समझने वाले हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ आइए देख लेते हैं कि है क्या। तो हमने क्या किया, हमें ग्राफ प्लॉट किया, किस किस के बीच में हमने प्रेशर यानी वाष्प दाब लिया है और हमने क्वथनांक उन्नयन मतलब टेम्परेचर लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाष्पदाब वाई एक्सिस पर और हमने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर यानी क्वथनांक उन्नयन को प्लॉट किया। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था कि विलयन का जो वाष्पदाब होता है उसको हम किस से डिनोट करते हैं, पी एस से, ठीक है, तो विलयन का वाष्पदाब पी एस। विलायक का जो वाष्पदाब होता है वो हमने बोला था पी नॉट, ठीक है, पी नॉट बोला था। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमेशा विलायक का जो वाष्पदाब रहेगा वो अधिक रहेगा विलयन के, है ना, सही बात। इसीलिए हमने जो वाई एक्सिस है उस पर आप देखेंगे कि जो पी नॉट है वो ऊपर की तरफ है और हाई वैल्यू है इधर, और पी एस जो है वो नीचे की तरफ है, पी नॉट से नीचे है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि जो पी नॉट यानी विलायक का जो वाष्पदाब रहता है हमेशा वो किससे ज़्यादा रहता है, विलयन से ज़्यादा रहता है। अभी अभी हमने देखा कि उन्नयन जो टी बी है जो हमारा शुद्ध विलायक का क्वथनांक है वो हमेशा क्या होता है, विलयन के क्वथनांक से कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए टी बी हमने यहाँ प्लॉट किया और इधर हमने टी, टी की वैल्यू हाई है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये प्लॉट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे और इस दोनों रेखाओं को स्ट्रेच करेंगे, इधर की भी दोनों रेखाओं को स्ट्रेच करेंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों रेखाएँ, ठीक है, टी बी यानी सल्यूशन जो हमारा विलायक का जो हमारा प्रेशर है और हमारा जो टेम्परेचर है वो जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको हम नाम देते हैं सी, और जो हमारा विलयन का प्रेशर है और विलयन का जो विलयन का वाष्पदाब है और विलयन का जो हमारा क्वथनांक है उसको हम पॉइंट जिस पॉइंट पर वो कट करेंगे उसको हम नाम देते हैं बी, ठीक है। अब ये बी और सी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से 45 डिग्री पर हम एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे और फिर हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। अब हमारे पास एक ट्रायंगल आपको दिख गया होगा, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल। अब क्या है, ऐसा हम कर क्यों रहे, हम सिर्फ रिलेशन निकालना चाहते हैं, हम सिर्फ वाष्पदाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में संबंध पता करना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, तो सिर्फ हमें रिलेशन निकालना है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्ट्रेच किया इसको, यहाँ से 45 डिग्री पर हमने एक लाइन खींची और उसको परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, देख रहे हैं हम कि एंगल ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी, ए सी बी कितने डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब आपको पता है कि टैन 45 अगर हम लेते हैं, टैन 45 डिग्री लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, मतलब टैन इज इक्वल्स टू
टेन थीटा इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, राइट। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा ये इतना डिस्टेंस रहेगा वो किसके बराबर है, डेल्टा टी बी के, और ये जो है एरिया ये हमारा किसके बराबर है, डेल्टा पी के, है ना। तो हमने क्या किया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी डेल्टा पी बाई बेस यानी डेल्टा टी बी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब बस टेन थीटा, टेन 45 डिग्री कितना होता है, एक के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो बस हमने हमें क्या मिल गया, ये रिलेशन ये मिल गया हमें, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी, ये हमारा संबंध हो गया किसमें, किसमें, वाष्पताप अवनमन व क्वथनांक उन्नयन में। तो आई होप कि आपको रिलेशन क्लियर होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो उपरोक्त ग्राफीय निरूपण में आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक अवनमन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। तो जितना वाष्प दाब में अवनमन होगा किसी एक सॉल्यूशन के लिए, उतना ही उसका क्या होगा, डेल्टा टी बी होगा यानी क्वथनांक उन्नयन होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा जो सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, ये वो हो गई। अब हम तीसरे पे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वथनांक उन्नयन के विलेय के अणुभार की गणना करने वाले हैं, ठीक है। तो किसी, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, यस, तो किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्या लिखा है, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो यानी कि हमें कह सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता। सॉरी, आपको क्लियर नहीं दिखा होगा तो उसके लिए सो सॉरी। हाँ, तो अभी आई गेस क्लियर है। किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, ये हमने स्टेटमेंट देखा। अब मोल, अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप लिखना चाहें मैथमेटिकली, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा टी बी समानुपाती का जो हमारा साइन है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोललता, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम ये जो हमारा साइन है इसको हटाने के लिए हमें एक कॉन्स्टेंट ले आना पड़ता है, राइट। हमें क्या ले आना पड़ता है, हमें एक स्थिरांक ले आना पड़ता है। तो क्या हुआ, हमने ये साइन हटाया, बराबर लगाया और के बी लिखा हमने, के बी, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के बी इंटू मोललता, ठीक है। और के बी क्या है हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कांस्टेंट, के बी को मैं कांस्टेंट ही बोलूँगी, आई गेस आप लोगों को इतनी इंग्लिश तो समझ आती ही होगी, तो मैं इसको के बी को कांस्टेंट बोलूँगी, ठीक है। एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलिए या मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलिए, ठीक है। अब डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोललता हो गया, ये तो यहाँ पर तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोललता हमने सबसे पहली जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने सेकंड चैप्टर, तब हमने फर्स्ट लेक्चर में शायद हमें मोललता देखा था, राइट। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है और मोललता का कंसेप्ट नहीं क्लियर है, प्लीज़ गो एंड चेक, आपको प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। और फॉर नाउ मोललता जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसका फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो कैसे हुआ, एम ए डिवाइडेड बाई एम डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी, ठीक है, ठीक है। क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप के बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम बी, ठीक है। मोललता क्या होती थी, किसी विलेय का मोल डिवाइडेड बाई या प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यानी 1 kg विलायक के जितने मोल प्रेजेंट होंगे, मतलब समझ रहे हैं, विलेय के मोल लिखिए और विलेय का मोल और डिवाइडेड बाई एक कितने विलायक के कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 1 kg विलायक में प्रेजेंट होगा जितना मोल, वही उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये था हमारा। और अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अणु भार निकाल सकते हैं, ये हमारा अणु भार है हमारे ए का, ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था हमारा
सॉल्यूट राइट। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि डब्ल्यू ए यानी कि हमारा जो सॉल्यूट रहेगा उसका जो अणु भार रहेगा उसकी गणना हम कर सकते हैं अगर हम इस फॉर्मूले में से डब्ल्यू ए इधर कर दें और टी बी इधर कर दें राइट। तो क्या मिल जाएगा हमें डब्ल्यू इज इक्वल टू के बी इंटू एम ए बाई डेल्टा टी बी इंटू थाउजेंड बाई बाई एम बी। ठीक है क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। जिसको भी मोलरता का कंसेप्ट क्लियर नहीं है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बताने लग जाऊंगी तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा राइट और टाइम हमारा निकल जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विलयन की मोलरता इकाई होती है तो उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर मोलरता एक हो जाए जैसे कि यहाँ पर जो हमने ये फॉर्मूला देखा राइट, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर किसी सॉल्यूशन की किसी विलयन की मोलरता एक हो जाए इकाई हो जाए क्या हो जाए इकाई हो जाए तो उसका जो मोलर जो उन्नयन रहेगा ठीक है इसका जो उन्नयन रहेगा क्वथनांक उन्नयन वो किसके बराबर हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक के। ठीक है क्या हो जाएगा जब आप यहाँ पर एक वैल्यू पुट करेंगे या जब एक वैल्यू पुट करेंगे मतलब के बी इंटू वन कुछ नहीं होगा के बी इंटू वन इज इक्वल टू के बी ओनली। तो क्या हो जाएगा टी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी और ये हमारा क्या है क्वथनांक उन्नयन और ये हमारा क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है तो ये है यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यदि किसी विलयन की मोलरता इकाई होती है एक होती है तो उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोलर उन्नयन मोलर स्थिरांक कहलाता है। ठीक है मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना वाष्पन एंथैल्पी से भी की जाती है और उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है यानी कि वाष्पन एंथैल्पी यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इंग्लिश में कहते हैं उसके लिए यानी कि हमारा जो के बी है इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है इसमें है एम आर टी टी बी इज इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थाउजेंड इंटू डेल्टा एच पी। अब इसमें के सारे टर्म्स को देख लीजिए एम क्या है विलायक का अणु भार आर क्या है गैस नियतांक गैस कांस्टेंट बोलते हैं टी बी क्या है आपको पता है विलायक का क्वथनांक। ठीक है और डेल्टा एच क्या है वाष्पन की एंथैल्पी यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन इसीलिए डेल्टा एच वी वी फॉर वेपराइजेशन और एच तो एंथैल्पी का साइन होता है आपको पता है। ठीक है तो अगर आपको के भी निकालना रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना है। ठीक है इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में बेसिकली फॉर्मूलाज ही हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी जैसे जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं ना तो आप जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं डील कर रही हूँ जो मैं बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला उन सबकी एक पन्ना लीजिए और उस पर फॉर्मूले लिखते जाइए। ठीक है और फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उनके बताते जाइए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि एम ये है आर ये है टी ये टी बी ये है डेल्टा एच बी है उसी प्रकार से आप लोग भी लिखते चलिए। तो इससे क्या होगा जब भी आपको ये चैप्टर रिवाइज करना होगा तो आप सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट याद हो जाएंगे या रिवाइज हो जाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है तो अभी से ये करते चलिए क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम बहुत दिन है लेकिन पहले दिन से जिस दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यही सोच के चलिए कि आपका एग्ज़ाम कल है इस प्रकार से आप तैयारी करिए तो आपको लास्ट मोमेंट पे रश नहीं होगा। ठीक है तो मैंने जैसा बोला एक लिस्ट आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है हिमांक अब हम नेक्स्ट चलते हैं हिमांक अवनमन देख लेते हैं। हिमांक अवनमन सिर्फ आप आज इसका डेफिनेशन या बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे इसका जो रिलेशन है इसका जो संबंध है वाष्पदाब अवनमन से वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है तो आप देख लेते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन वह ताप है या हिमांक वह ताप है यानी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं बेसिक सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में बेसिकली। हिमांक वह ताप है जिससे जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य में उपस्थित होती है माफ कीजिएगा। तो क्या हो गया हिमांक हमारा वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य में होती है मतलब आपको ठोस भी ठोस और इक्विलिब्रियम में रहेगा साम्य में रहेगा किसे द्रव से। कभी कभी आपने देखा होगा कि बर्फ़ होती है वो जब बर्फ जम रही होती है या कह लीजिए पिघल रही होती है तो आप देखेंगे कि ऊपर की ओर आपको ठोस दिखेगा तैरता हुआ आइस दिखेगा और नीचे पानी रहेगा टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा लेकिन क्या होगा
ठोस आपको तैरता हुआ दिखेगा, आपको आइस, ये एग्जाम्पल बर्फ़ के लिए बहुत अच्छा है, जब हम लोग आइस ट्रे में रखते हैं बर्फ़ जमने के लिए, तो ठोस जैसे जमना स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा ठोस जमा हुआ और नीचे पानी भी रहता है, ठीक है। तो इस अवस्था में आप देख पाएंगे कि ठोस और द्रव क्या है, साम्य में उपस्थित है, ठीक है। तो हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य में उपस्थित होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किसी विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है, ठीक है। इसका भी रीजन वही है, जो हमारा विलायक होता है उसमें हमारा जो विलयन होता है उसमें विलेय और विलायक के जो अणु हैं उनके बीच में आकर्षण होता है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट होता है। क्या होता है? किसी विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। अब मान लेते हैं, जैसे हमने पिछले अभी 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 जस्ट हमने जब हम क्वथनांक उन्नयन देख रहे थे, तो हमने देखा कि मानव विलायक का हिमांक क्या है, उसे जैसे हमने माना था कि मानव विलायक का क्वथनांक क्या है, ठीक है। तो हमने उसी तरीके से यहाँ पे मान रहा है कि मानव विलायक का हिमांक क्या है, टी एफ है। टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मानव विलायक का हिमांक क्या है, टी एफ है, और विलयन का हिमांक रहेगा, तो ये विलयन का हिमांक क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं विलयन का हिमांक क्या होगा, टी हो गया। तो हिमांक का अवनमन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इसके बराबर हो जाएगा इन दोनों के अंतर के बराबर, इन दोनों के अंतर के बराबर, तो टी एफ माइनस टी। तो आप क्या बोलेंगे कि हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी। तो ये हो गया हमारा हिमांक अवनमन। तो आप कह सकते हैं कि विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक अवनमन होता है या कहलाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में